सुभाष यादव गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। बालू के कारोबार से सुभाष जुड़े हुए हैं। लालू के बेहद करीबी ये माने जाते हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और देर रात ही कोर्ट में इनकी पेशी हुई। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सुभाष यादव को भेज दिया है। तो सुभाष यादव पर बड़ी कार्रवाई की है केंद्रीय एजेंसी ईडी ने। अब न्यायिक हिरासत में सुभाष यादव को भेज दिया गया है। बेहद ही करीबी माने जाते हैं अवैध बालू कारोबार। और जब रेड ईडी की टीम ने की थी तो इनके आवास से करोड़ों के कैश बरामद किए गए, साथ ही कई दस्तावेज भी मिले, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स पाए गए और उसमें इस बात की जानकारी हासिल हुई कि कैसे इन्होंने वित्तीय गड़बड़ियां भी की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद से उन्हें टीम ले जाती हुई नजर आ रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बिहार में देखने को मिल रहा है और आरजेडी के ये नेता हैं और आरजेडी को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की टीम बिहार में एक्शन में दिख रही है। इस वक्त बालू कारोबार से जुड़े राजद नेता सुभाष यादव ईडी की शिकंजे में है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता है और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें सुभाष यादव को रखा गया है। देर रात ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उसके बाद उन्हें रात भर ईडी के पटना स्थित ऑफिस में रखा गया है। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगे रहे और आखिरकार ईडी की टीम ने अब गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया और इस वक्त अब उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए ठीक हमारे और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, आरजेडी के कई ऐसे नेता और लगातार कार्रवाई ये हो रही है। अमित शाह भी जब भाषण देते हैं तो माफियाओं के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है? मृत्युंजय जी, आवाज आ पा रही है? सुभाष यादव पर बड़ी कार्रवाई और ऐसे बालू माफिया को लेकर भी लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि इनके ऊपर हम कार्रवाई लगातार करेंगे और केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनकी दबिश भी देखने को मिल रही है, क्या रिएक्शन आपका? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी की टीम ने शिकंजा कसा, दबिश दी और सुभाष यादव आरजेडी नेता गिरफ्तार किए गए। बालू खनन और अवैध बालू कारोबार का इनके ऊपर आरोप। और कुंतल कृष्णा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुंतल जी, जिस तरीके से चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, हर सभाओं में हर जगहों पर इस बात को रखा जा रहा है कि जो माफिया है, बालू माफिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही है। सुभाष यादव ताजा उदाहरण है जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? राहुल जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है बिहार की 14 करोड़ जनता को, उनके अपने परिवार को, कि बिहार में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा, माफियाओं से मुक्त कर दिया जाएगा बिहार को और ये सारी चीजें उसी गारंटी की कड़ी में हो रहे काम है। अब बिहार में कोई माफिया नहीं रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब माफियाओं के पास सिर्फ 3 विकल्प हैं, या तो बिहार छोड़ दें या जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, वरना गया में अपने तर्पण की तैयारी कर लें। चौथा कोई विकल्प नहीं बचा है, चाहे उनके ऊपर किसी का संरक्षण हो, अब बिहार माफिया मुक्त होगा ही होगा। लेकिन कुंतल जी, ये आरोप भी जरूर बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर लगते रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का, ये भी गाहे बगाहे सुनने को मिल जाता है। भले भ्रष्टाचार में वो नेता वो लोग शामिल हो लेकिन ये दुहाई जरूर दी जाती है। राहुल जी, जो लोग बिहार को लूट रहे हैं हम उनसे बिहार को मुक्त करा रहे हैं। इन माफियाओं ने बिहार को और बिहार की गरीब जनता को लूटा है और जिसने बिहार की गरीब जनता को लूटा है उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगे। मोदी जी की गारंटी है ये कि बिहार में अब कानून का ही राज चलेगा और जिसने भी बिहार की गरीब जनता लूटा है इन माफियाओं से बिहार को मुक्त किया ही जाएगा। इस तरह के आरोप वही लोग लगाते हैं जो गलत होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आप मुझे बताएं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पे किसी को भाई क्यों परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो सकती है किसी को? ये व्यक्ति जो पकड़े जा रहे हैं
ये शुद्ध रूप से माफिया है, अवैध के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जमीन माफिया है, गरीबों की संभ्रांत लोगों की जमीनें कब्जा करते हैं, ये वही लोग हैं जो शराब की यहाँ पे अवैध बिक्री करवाते हैं, ये शराब माफिया, ये बालू माफिया, ये खनन माफिया, ये जमीन माफिया, ये अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, ये भी गजब संयोग है, सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल से ही क्यों जुड़े होते हैं? सीधा साधा जवाब है, लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार में सभी माफियाओं को संरक्षण देता है, बिहार में माफियाओं का संरक्षक लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल है, और मोदी जी की गारंटी है बिहार की जनता को कि अब जंगल राज बिहार में नहीं रहेगा, अब माफिया चुन चुन के बिहार से बाहर निकाले जाएंगे, या तो वो बिहार खुद छोड़ दे या जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, और अगर ये दोनों काम नहीं हुआ तो फिर तो उनकी भगवान ही बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है कुंतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। और इसके साथ